Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugda EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका NBC News पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए किस उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। ग्रेटर नोएडा की पुलमरिया गार्डन सोसाइटी में रहने वाली 22 साल की युवती अरुमा की 11वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। युवती का पिछले साल ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन हुआ था। देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने मुकेश अंबानी को ईमेल द्वारा 20 करोड़ रुपए की मांग की है। चीन के हांगजू में एशियाई पैरा खेलों में भारत ने 100 पदक का आंकड़ा छू लिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सफलता हमारे एथलीटों की प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गोगी गैंग के एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्तौल बरामद हुई है। पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को चक्कर, उल्टी और बाएं हाथ की कमजोरी की शिकायत के बाद कल एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गाजा में इसराइल और हमास के बीच युद्ध रोकने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हो गया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 देशों ने वोट किया, जबकि 14 देशों ने इसके खिलाफ वोटिंग की। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में एक बार फिर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। गाजा के कई इलाकों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वायु गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में है। इनमें दिल्ली से सटे जिलों के हालात और भी खराब है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सरकारी और कुछ प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5 दिन और सैलरी में 15% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि जब भी प्रधानमंत्री महाराष्ट्र आते हैं, वे राष्ट्रीय कांग्रेसवादी पार्टी को भ्रष्ट पार्टी करा देते हैं। शरद पवार को कृषि में उनके काम के लिए मोदी सरकार ने पद्म विभूषण दिया था। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे पाटिल की अगुवाई में मराठा आंदोलन को लेकर मांग तेज हो गई है। इस बीच अभिनेता किरण माने भी मराठा आंदोलन में श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल में शामिल हुए। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा है कि कांग्रेस को वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, लेकिन पार्टी बीजेपी विरोधियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को घेरा है। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर को आंदोलन की नई दिशा तय होगी। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर नए भूचाल के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी की आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो ट्वीट किया गया। इसमें उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते नजर आ रहे हैं कि वे फिर आएंगे। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने शिंदे कमेटी की समय सीमा 24 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले शिंदे समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 30 नवंबर की समय सीमा तय की थी। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप 2023 में अपनी 5वीं जीत दर्ज कर ली है। चेन्नई में हुए मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को रोमांचक अंदाज में सिर्फ एक विकेट से हरा दिया। शाहरुख खान की डंकी क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का पहला रिव्यू सामने आया है। भगवंत केसरी की ओपनिंग काफी शानदार रही थी, लेकिन इसके बाद फिल्म की कमाई हर दिन घटती जा रही है। फिल्म के सेकंड फ्राइडे का कलेक्शन सबसे कम रहा। सुनील शेट्टी की अपने दामाद केएल राहुल के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है। वे अपने दामाद की अक्सर जमकर तारीफ भी करते हैं। वही सुनील के अब केएल राहुल संग प्यार की तस्वीर पोस्ट की है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC News पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC News पर। नमस्कार।